भारतीय भवन निर्माण व अन्य मजदूर यूनियन की बैठक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर सिंह की अध्यक्षता में गोलघर स्थित पार्टी कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि असंगठित दैनिक श्रमिक जी तोड़ मेहनत करके देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, इसके बावजूद ये मजदूर शोषण एवं उत्पीड़न के शिकार हैं तथा बेरोजगारी से परेशान व बेहाल हैं, जिससे मजदूर दर दर भटक रहा है। अगर कहीं रोजगार मिल भी जा रहा है तो जो मालिक है वह काम कराकर मजदूरी नहीं दे रहा है। इसकी शिकायत करने पर पुलिस के अधिकारी मालिक के प्रभाव में कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, लेकिन अब मजदूर जान चुका है तथा इनके शोषण के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने सभी मजदूरों को निर्देशित किया कि मजदूर साथी अपने अपने क्षेत्रों में मजदूरों को जागृत कर संगठन से जोड़ने का अभियान चलाएं और लोगों को जागरूक करें। इस अवसर पर राजेश, राकेश, कंचन चौहान, रामदरस पासवान, भोला, ओम प्रकाश सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर सिंह ने कहा की बैठक को संबोधित करते खड़े हो जाइए अपनी जगह पर। हमारा सर समस्या है, यही है, पैसा नहीं है तो अच्छा जानकारी है तो मामला श्रम कार्यालय में पहुंचा हुआ है जी। तो 3 दिसंबर को तारीख पूरी है तो जी, आप लोगों का सहयोग मिले और उससे जो है पैसा लिया जाए। आप जिसे कि लिखित में देंगे उनका पता क्या है, फोन नंबर क्या है, ताकि देखिए पहले बात हो। है वो लिखित रूप से जो है कार्यालय में वो दीजिए। तो सबसे बड़ी विडंबना ये है गोरखपुर के अंदर भवन निर्माण में जो मजदूर कार्य कर रहे हैं रूप से शिकायत को दर्ज कराते हैं। प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ ये कहते हैं कि हमें पैसा निकलवाने का अधिकार नहीं है, आप लोग श्रम न्यायालय में जाइए, वहाँ वार दाखिल करिए। अगर मजदूर जो है श्रम न्यायालय जाता है तो श्रम प्रवर्तन अधिकारी जो है दबंग मालिकों के प्रभाव में ही केवल एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए लिख देते हैं कि आप जो है सक्षम न्यायालय में वार दाखिल करिए। लेकिन अब समय आ गया है दोस्तों, चुनाव का भी समय है। गोरखपुर के अंदर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में असंगठित मजदूरों का जो है देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन क्या होता है आए दिन दबंग मालिक काम कराने के बाद इनकी वाजिब मजदूरी जो होती है वो नहीं देते हैं। और जब इसकी शिकायत ये लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाते हैं तो प्रशासनिक अधिकारी भी दबंग मालिकों के प्रभाव में इनका ही शोषण करते हैं और इनको मार के भगा दिया जाता है कि आप सक्षम न्यायालय में जाइए, वहाँ वाद दाखिल करिए। श्रम प्रवर्तन अधिकारी भी जो है सक्षम वो दबंग मालिकों के प्रभाव में इनका शोषण करते हैं, इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। आज इसीलिए ये बैठक हमने बुलाई है कि अगर मजदूरों के शोषण को नहीं रोका गया और इस पर प्रशासनिक अधिकारियों ने या सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में असंगठित मजदूर भी सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होगा।